नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 9 चैप्टर 10 भारत गौरव, इसके राइटर है मैथिली शरण गुप्त और यह साहित्य का प्रकार है पद्य। पद्य यानी काव्य। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही वह कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार किया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण वे राष्ट्रकवि के संबोधन से भी प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णु प्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण 1954 में पद्मभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिनमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव का गान किया है। इनके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया हुआ है। काव्य है भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नरसृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चित होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। तो भूलोक पृथ्वी पर बसा हुआ संसार। भूलोक किसे बोलते हैं, तो पृथ्वी पे बसा हुआ संसार शब्दार्थ। भूलोक का गौरव, गौरव यानी सम्मान, प्रतिष्ठा। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, पुण्य लीला स्थल पवित्र क्रीड़ा भूमि, बराबर पुण्य यानी पवित्र, पुण्य यानी पवित्र लीला स्थल। क्रीड़ा भूमि
भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। मनोहर, मनोहर यानी मन को हरने वाला, मनोहर। गिरी यानी पर्वत, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। तो यह स्थान कहाँ है कि जिस पर संसार को गर्व है, जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, वह स्थान वहाँ है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है, पवित्र गंगा नदी। गंगा जल कहाँ कि जहाँ पर गंगा नदी बहती है। दुनिया के संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उत्कर्ष यानी उन्नति, उत्कर्ष, उत्कर्ष यानी उन्नति। संपूर्ण देशों में यानी दुनिया के सभी देशों से सबसे अधिक श्रेष्ठ उन्नत देश कौन सा है, वह देश और कोई नहीं, वह ऋषि भूमि भारत वर्ष है। संसार का वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति का, प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ देश कौन सा है, वह देश और कोई नहीं, वह ऋषि भूमि भारत वर्ष है। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। सिरमौर, सिरमौर यानी सरताज, सरदार, सिरमौर यानी सरदार। हाँ, वृद्ध, देखो वृद्ध हम किसे बोलते हैं कि जिसकी आयु सबसे ज़्यादा हो उसे वृद्ध कहा जाता है। तो वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, सिरमौर यानी सरदार, श्रेष्ठ, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। विश्व कि पूरा विश्व है, पूरे विश्व में कोई ऐसा देश है जो जिसे वृद्ध कहा गया, पुरातन यानी प्राचीन, बहुत पुराना, प्राचीन। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश हो जो सबसे पुराना हो। भगवान की बहुभूतियों का, भगवान बहुभूति यानी संसार का वैभव, बहुभूति। बहुभूति यानी संसार का वैभव। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम है भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का यहीं से विस्तार है। नर यानी मनुष्य, विधि यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाले देवता, विधि यानी ब्रह्मा। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब सृष्टि का विस्तार जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई वो थे देवता ब्रह्मा जी। तो विधि, विधि यानी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जहाँ से सर्वप्रथम शुरुआत की वह विस्तार कौन सा है। हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है, प्राचीन देशों में सबसे मुकाबले
प्राचीन देशों में इनके मुकाबलों का दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम भंडार, प्रथम संग्रह स्थान इसी देश में हुआ था। ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया था। तो ट्रांसलेशन दूसरी चार लाइन है, इसका ट्रांसलेशन ये है कि हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है, प्राचीन देशों में इनके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम भंडार इसी देश में हुआ था। ये मानव सृष्टि, ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया था। यह पुण्य भूमि पवित्र है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि, आचार्य यानी शिक्षक, आदर्श आचरण, आचार के आचरण में लाने वाला, आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला वो होता है आचार्य। तो यह पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि है, इसके निवासी आर्य है। भारतवर्ष से यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य है, उन्होंने सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया। विद्या कला और कौशल का जिन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया वो थे भारत के आर्य। यद्यपि फिर भी उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में है, अधोगति यानी अवनति यानी दयनीय दशा। यद्यपि उन आर्यों की आज संतानें दया में हैं, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद हैं। यानी जो देश पवित्र है, भारतवर्षी, यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है, इस देश के निवासी आर्य है, उन्होंने सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया। लेकिन परिस्थिति आज विपरीत हुई और यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में है, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। उच्चता यानी महानता, उनकी जो महानता थी, उन महानता के चिन्ह आज भी हमारे सामने मौजूद है। इन्हीं के कारण भारत में और देशों से आई हुई कितनी भी प्रजातियां थी, उनको भारत में स्थान दिया। तो सबसे पहले भारत के जो रहने वाले लोग थे वो आर्य कहलाते थे, और आतिथ्य धर्म का पालन करते हुए उन्होंने सभी धर्मों को अपनाया। सभी धर्म के जाति के लोग भारत में आकर रहे और यहीं के हो गए। तो वो आर्य ही थे जो सबको अपने में स्थान देते थे। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वो आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। और वो स्वार्थरत यानी अपना ही भला, अपना ही स्वार्थ, अपना ही लाभ या मोह कभी देखते नहीं थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, संसार पर उपकार करने के लिए जब जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। निष्क्रिय, निश्चेत यानी निष्क्रिय, निश्चेत यानी निष्क्रिय। निश्चित यानी निष्क्रिय, चेष्टा रहित।
जब वे आर्य ही थे जो अपने लिए कभी अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे, उन्हें कभी अपने जीवन का लाभ या मोह नहीं होता था, वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म ले संसार पर उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। तो यह भारत का गौरव है। भूलोक यानी पृथ्वी पे बसा हुआ जो संसार है, उन संसार में सबसे ऊपर जो कोई है वो है भारतवर्ष। आर्यों ने परोपकार की प्रबल भावना थी। उनका जीवन दूसरों की भलाई में ही बीतता था। वे महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे, वही आर्य थे। लेकिन आज उनकी संतानें जो थी वो अधोगति में है। भूलोक का गौरव भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है। भारत ऋषियों की भूमि है। संसार ने सबसे पहले उन्नति इसी देश से हुई है। भारत संसार का सबसे पुराना देश है। भारत की तरह तरह की संपत्तियों का सबसे पहले वहीं से पता चलता है और मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से हुआ है। विद्या कला कौशल में सबसे वो आगे है। आर्य भारत के प्राचीन निवासी थे। उन्होंने संसार को विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया। हम उन्हीं आर्यों की संतानें हैं। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, फिर भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह आज भी यहाँ मौजूद है। वह आर्य थे जो परोपकार के लिए ही परोपकार की प्रबल भावना थी। उनका जीवन दूसरों की भलाई पे ही बीतता था। भारत पवित्र महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे। तो हमें हमारे देश पे पूरा गौरव है। थैंक यू।